कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो सर्वाइवल मूवी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में पहली मूवी आती है पीहू। मूवी बेस्ड है थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। और बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो ये मूवी शुरू होती है एक छोटी बच्ची से जो अपनी मरी हुई माँ के साथ एक ही कमरे में फंस जाती है और वह बच्ची आखिरी तक उस रूम में किस तरह से सर्वाइव करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। और आप इस मूवी को देख सकते हैं वॉच नाउ पर। और नेक्स्ट मूवी आती है ट्रैप्ड। मूवी बेस्ड है सर्वाइवर थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। और बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो ये मूवी शुरू होती है एक लड़के से जो अपने फ्लैट को देखने के लिए जाता है और वही उसी फ्लैट में फंस जाता है और वही आखिरी तक इस फ्लैट से किस तरह से निकलता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप G5 पर देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट मूवी आती है NH10। मूवी बेस्ड है एक्शन थ्रिलर और सर्वाइवर एक्टिविटी के ऊपर। और बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो ये मूवी शुरू होती है दो कपल से जो अपनी गाड़ी से ट्रेवल करने के लिए निकलते हैं और अचानक से उनके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उनकी गाड़ी एक भीजड़ जगह पर फंस जाती है और वो लास्ट तक उन गुंडों से कैसे बचते हैं यही दिखाया गया है इस फिल्म में। इस मूवी को आप वॉच नाउ पर देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट मूवी आती है मिली। मूवी बेस्ड है सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। और बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मूवी की शुरुआत होती है मिली नाम की एक लड़की से जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है जो अचानक से एक दिन उस रेस्टोरेंट के फ्रीजर में अटक जाती है। वह लड़की उस फ्रीजर में किस तरह से सर्वाइव करती है और वह लड़की उस फ्रीजर से अंत तक किस तरह से निकलती है यही दिखाया गया है इस पूरी फिल्म में। फिलहाल इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है और फ्यूचर में इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया जाएगा। और अब नेक्स्ट मूवी आती है अदाई। मूवी बेस्ड है थ्रिलर ड्रामा और सर्वाइवर एक्टिविटी के ऊपर। और बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपने आप को पाती है एक खाली और सुनसान मॉल में वो भी बिना कपड़ों के। अब वह लड़की उस मॉल में किस तरह से सर्वाइव करती है और अंत तक वह लड़की उस मॉल से निकल पाती है या नहीं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है, ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट मूवी आती है डोंगा लुनारू जगराथा। मूवी बेस्ड है थ्रिलर ड्रामा और सर्वाइवल एक्टिविटी के ऊपर। और बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है एक चोर से जो कि एक कार को चुराने के लिए जाता है और अचानक से उस कार में फंस जाता है। अब वही उस गाड़ी में किस तरह से सर्वाइव करता है और वह चोर उस गाड़ी से लास्ट तक निकल पाता है या नहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।